मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं एक कठपुतली बन के रह गया हैगा। ना 6 महीनों च भगवंत मान के बनन सार पहले अद्धा पंजाब BSF के हवाले कर दो, उसके बाद साढ़े पानिया तो साढ़ा मैंबर हटाता गया। अज भी मैं हैरानी कि पानिया बारे जाके खट्टर साहब के नाल गलबात करन वाले मुख्यमंत्री, जे अज कोई मुख्यमंत्री थानू घरे कोई कह दे गुआढ़ी कि भाई ये घर मैं लैना है थोड़ा घर लैना, तुम कहो जा भज जा कि तुम आप बैठ के अपना गल करिए। गल करन वास्ते की रह गया? कदे साड़ी राजधानी चंडीगढ़ नू कहंदे कि खट्टर साहब कहंदे कि सानू होर थां दे दो साड़ी विधानसभा, ते साडा मुख्यमंत्री ये कहंदे बजाए कि होर तुसी हरियाणे च लभो ये चंडीगढ़ साडा, कहंदा सानू भी दे दिओ। 7 महीने हो गए किसी बुजुर्ग नू औरत नू मां नू धी नू आपके हक के 7,000 नहीं अजे मिले। तो एहसास होंदा है कि ये आम आदमी की सरकार अज पंजाब नू कित्थे जाके खड़ा करता है। पहले कैप्टन साहब साढ़े 4 साल बाहर नहीं निकले, पंजाब की तरक्की जिहड़ी अकाली दल दे समय हो रही सी वह तरक्की रुकी। चन्नी साहब आए 3 महीने च, उन्हां दी सरकार ने आपकी जेबा भरन तो अलावा कुछ नहीं। तो यह सरकार जदों तो बनी है 6 महीने नहीं होए, पंजाब दे उत्ते हर महीने कर्जा चाड़िया हैगा। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं एक कठपुतली बन के रह गया हैगा। जे मूसेवाला साडा बहुत ही मशहूर मान पंजाब दा सारी दुनिया च उन्होंने वधाया सीगा, एक किस तरह उन्हां दी सिक्योरिटी विड्रॉ कीती, किवें उन्हों जग जाहिर कीता, किस तरह दे हालात बने, ते फिर इन्ने प्रेशर दे बावजूद जब कोई एक्शन भी लिता गया ते फिर भी वो इस तरह एक गैंगस्टर नू रात च बिना हथखड़ी च प्राइवेट गड्डी च उन्हों किते ले जाना, ते हुण ये सारी चीजा सामने आन कि किस तरह आपकी अपनी सहेली दे नाल पैसिया लेके सारा कुछ केड़ा जा रहा सीगा। मतलब एक गैंगस्टर नू इस तरीके दे नाल जिवें कोई सरकारी मेहमान नू रखदा है ते उन्हों फरार होण च उन्हों मदद कीती गई, ते की गलत हो रही है सरकार। कदे कदे जहन च जरूर आंदा है कि पंजाब नू किस पासे धक्किया जा रहा है। इन्हां 6 महीनों च भगवंत मान दे बनन सार पहले अद्धा पंजाब BSF दे हवाले करता, उहदे बाद साडे पानिया तो साडा मैंबर हटाता गया। अज भी मैनू हैरानी कि पानिया बारे जाके खट्टर साहब दे नाल गलबात करन वाले मुख्यमंत्री, जे अज कोई मुख्यमंत्री थानू घरे कोई कह दे गुआढ़ी कि भाई ये घर मैं लैना है थोड़ा घर लैना, तुसी कहो जा भज जा कि तुसी आप बैठ के आप गल करिए। गल करन वास्ते की रह गया? 2016 च सर बादल ने सारी रजिस्ट्रियां वापस करके लोगों नू जमीना वापस कही, इस वाल कदे नहीं बनूगा, ते गल की करन गया है जब साडे पानिया दे उत्ते कोई हक ही नहीं हैगा, ते की गलबात हो रही हैगी? कदे साडी राजधानी चंडीगढ़ नू कहंदे कि खट्टर साहब कहंदे कि सानू होर थां दे दो साडी विधानसभा, ते साडा मुख्यमंत्री ये कहंदे बजाए कि होर तुसी हरियाणे च लभो ये चंडीगढ़ साडा, कहंदा सानू भी दे दिओ। ते हर पक्षों पंजाब दे नाल समझौता गैंगस्टरा दे नाल, तरन तारण से देखो एक दुकान च जाके शरेआम फिरौती दी मंग करदे सी, जे नहीं दित्ती जाके गोलियां नाल छली करता। हर पक्षों हरेक इंसान डर विच जी रहा है। पंजाब दा कोई वाली वारिस ही नहीं हैगा, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब एक मुख्यमंत्री नहीं, लोगों ने इन्नी वड्डी बहुमत दे नाल मैनूं लगदा किन्ने सदियां बाद सरकार बनाई, लेकिन पंजाब दे हकां नूं नीलाम करके बेच के केजरीवाल दिल्ली दे हवाले करके आ मुख्यमंत्री आ सरकार बनी बैठी है। डर भी लगदा है, दुख भी होंदा है, ताही साडे बच्चे भज भज बाहर जा रहे ने मापियां दी जमीना बेच के, ते पंजाब एक खोखला होण दे तदा च आके खड़ गए ने। जिहड़े वादे कीते सी 7 महीने हो गए किसी बुजुर्ग नूं औरत नूं मां नूं धी नूं आपके हक के 7,000 नहीं अजे मिले। झूठ मार के इत्थे सरकार बनाई, हुण इत्थे दे पैसियां दे नाल जाके दूजे सूबियां च प्रचार कर रहे ने। पंजाब वास्ते दुख भी लगदा, मैं उम्मीद करदी हां लोकी सचेत होण ते इहनां दे ड्रामियां तों सचेत हो के अपने हकां वास्ते हुण लड़ाई लड़न वास्ते लोकां नूं लड़ना पऊगा।